हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं पुलाव। उसके लिए हमें चाहिए राइस। ये मैंने 1.5 कटोरी राइस लिए हैं, इसको मैंने भिगो के इसका पानी छान दिया है। पटेटो लिए हैं चॉप किए हुए, कैरेट लिए हैं, घी पीस और टोमेटो प्यूरी। इसके लिए जो हमें मसाले चाहिए, धनिया, जीरा, गरम मसाला, रेड चिल्ली पाउडर, हींग, धनिया पाउडर और सॉल्ट। बनाने के लिए हम गैस ऑन कर रहे हैं। इसमें रखेंगे एक कढ़ाई। कढ़ाई में डालेंगे 1 कड़छी घी। घी को गर्म होने के लिए छोड़ दो। नहीं, अब दोबारा लो। चेक करने के लिए एक डाल के देख लेते हैं। अगर ये ऊपर आ जाता है तैर के तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा वेट करें। ये हमारे ऊपर आ गए। अब हम डालें जीरा। जीरे को तड़कने दो। डालेंगे हींग। रेड चिल्ली पाउडर। धनिया पाउडर। दालचीनी पाउडर और ये गरम मसाला, सॉल्ट। इन सबको लिए हम 1 मिनट के लिए भूनेंगे। आप डालते टोमेटो प्यूरी। मसाला भून लीजिए। तो मसाला अच्छे से भून जाएगा तो हम इसमें वेजिटेबल डालेंगे। तो घी जब तक मसाला घी नहीं छोड़ता तब तक पकाना है। हल्दी इसमें ऑप्शनल है, अगर आप हल्दी डालना चाहते हैं तो हल्दी भी डाल सकते हैं। और मैं इसे व्हाइट राइस के साथ ही बनाऊंगी। ये देखिए हमारा मसाला घी छोड़ने लग गया है। अब इसमें वेजिटेबल डालेंगे, पोटैटो, कैरेट, पीस। इसे मिक्स कर दें। इसको अब हम 5 मिनट ढक के रख देते हैं। इसको इसकी स्टीम में पकने दें, फिर इसमें राइस डालेंगे धीमी आंच। अब हम देख लेते हैं, ये हमारी सब्जी पक रही है। इसमें डाल देते हैं राइस। राइस को अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको 2-3 मिनट इसके साथ भूनेंगे। इसको 2 मिनट भून लेते हैं। इसमें डालेंगे वाटर। वाटर हमने इतना डालना है कि ये डीप हो जाए, ना ज्यादा डालना ना कम। ज्यादा डालेंगे तो ये ज्यादा गल जाएंगे, कम डालेंगे तो कच्चे रह जाएंगे। इसको सिम आंच पे करके ढक देते हैं। गैस को सिम कर दिया, ढक देते हैं। अब 15 मिनट बाद देखेंगे
मिनट बाद हम चेक कर रहे हैं। वाह, ये अच्छी खुशबू आ रही है। हमारा राइस रेडी है, अब हम सर्व करने के लिए इसको आप चेक कर ले उठा के, अगर दबा के देख लेते हैं ये पक्का है तो ठीक है, अगर कच्चा है तो थोड़ा सा पानी का छींटा लगा के दोबारा 5 मिनट के लिए ढक सकते हैं, पर हमारे रेडी हैं। गैस के फ्लेम सबका अलग अलग होता है, किसी का तेज और किसी का कम। अब हमारे सर्विंग के लिए रेडी हैं। हम इसे दही के साथ सर्व कर सकते हैं और एंजॉय करिए।